हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द वात प्रकृति, देर इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वात, मीन्स द वात प्रकृति, देयर फीचर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर पित्त प्रकृति, मीन्स देयर फीचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो प्रकृति का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि प्रकृति मीन्स द शुक्र शोधित जीव संयोग योग भव दोष उत्कटे प्रकृति चयन देन, मीन्स ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन, ड्यूरिंग द मीटिंग पॉइंट ऑफ शुक्र एंड शोधित, मीन्स स्पर्म एंड ओवा व्हेन दे कंबाइन, तो वहाँ पे जिस दोष का प्राबल्य या फिर प्रिडोमिनेंस होता है, तो उसी दोष की प्रकृति हमारे यहाँ पे बनती है बॉडी के अंदर, उसी दोष की प्रकृति और उसके अकॉर्डिंग ही कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स या फिर जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो DNA जो हम बोलते हैं ऐसे मॉडर्न एरा में, तो वो वहाँ पे एक फ्रेम बनता है। ओके, तो उसका जो मेन ये रहता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो फीचर्स जो एक्टिविटी बनाने का जो मेन हेल्पफुल फैक्टर होता है, वो वहाँ पे हेल्प जो प्रिडोमिनेंस जो दोष रहते हैं वो करवाता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज समथिंग विद पित्त प्रकृति। ओके, तो वन बाय वन वी डिस्कस हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर गुण वी हैव टू लर्न। ओके, तो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च, मीन्स पित्त के इतने सारे गुण रहते हैं एंड ड्यू टू दिस गुण दे परफॉर्म द बॉडी एक्टिविटी। ओके, तो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम, विस्त्रम ओके, विस्त्रम स्मेल ऑर्डरनेस, अम्लम कटुकम च, मीन्स ये उष्ण तीक्ष्ण द्रव विस्त्र यानी ऑर्डर की मीन्स स्मेल के जो कैरेक्टर हैं, अम्ल यानी कि जो अपना सॉल्ट टेस्ट एंड कटु यानी कि अपना उष्ण रस। ओके, दैट इज समथिंग मतलब हॉट इन नेचर वाले जो जितने भी रस आते हैं। ओके, च ओके, तो इतने सारे ये सब पित्त दोष के यानी कि पित्त प्रकृति के पित्त दोष के प्राबल्य की वजह से पित्त प्रकृति के पर्सन डेवलप होते हैं। ओके, तो पित्त प्रकृति में कौन कौन से गुण आते हैं, उष्ण गुण आते हैं, तीक्ष्ण गुण आते हैं, द्रव्य गुण आते हैं, विस्तृत गुण आते हैं एंड अम्ल गुण आते हैं एंड कटुक गुण होते हैं। ओके, तो इन सभी गुणों के कारण ही पित्त दोष यानी कि पित्त प्रकृति के जो पर्सन होते हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर एक्टिविटी दिखाई देती है। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन से गुण के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है उसमें क्या लिखा हुआ है, तस्य उष्ण्यात, तस्य उष्ण्यात मीन्स उष्ण गुण की वजह से क्या होता है पित्त को पित्त प्रकृति के जो पर्सन रहते हैं उनमें उष्ण गुण की वजह से क्या होता है, भवंती उष्ण असहा। आप श्लोक अच्छे से रीड आउट करिए। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, भवंती उष्ण असहा, भवंती उष्ण असहा मीन्स ड्यू टू उष्ण गुण, उनके बॉडी में ऑलरेडी उष्ण गुण बढ़ा हुआ रहता है इसलिए वो उष्ण को ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, इसलिए उष्ण असहा यह वर्ड उनके लिए आया है, वो उष्ण को सहन नहीं कर पाते ऐसा चरक आचार्य बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस है श्लोक का वो चरक आचार्य के द्वारा ही लिया गया है। उसके बाद उष्ण मुखा, वो हमेशा ऐसा एंगरनेस के कैरेक्टरिस्टिक में रहते हैं, मीन्स उनको एक अलग अगर ऐसा आप गुस्सा दिलाएंगे या फिर उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे उनको इरिटेशन आए, ऐसा फीलिंग आए, तो वो हमेशा उनका थोड़ा चिड़चिड़ापन या फिर एज यू कैन से दैट वो हमेशा एंग्रीनेस के कैरेक्टर में रहते हैं। ओके, तो दैट्स वाई द उष्ण मुखा ये कैरेक्टर ये वर्ड आया, उन उष्ण गुण की वजह से पित्त प्रकृति के पर्सन में उष्ण मुखा ये ऐसा कैरेक्टर आया। ओके, सुकुमार अवदात्त गात्रा, इसका मतलब ये रहता है कि उनको वो जो दिखने में थोड़ा सा उनका पोलाइट इन नेचर और जो दयालु कैरेक्टर जो हम बोलते हैं वो उनको ऐसा दिखाई देता है। ओके, सुकुमार मीन्स एक अच्छा, अवदात्त मीन्स दिखाई देता है, सुकुमार अवदात्त गात्रा ऐसा वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि वो थोड़े भोलेपन या फिर पोलाइट इन नेचर के एकदम शांत स्वभाव वाले हैं, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। इनके अगर हम देखेंगे इनका जब कैरेक्टर से जब पूरा पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि जो पित्त दोष के जो सॉरी पित्त दोष के प्राबल्य की वजह से जो पित्त प्रकृति जो डेवलप होती है, तो पित्त प्रकृति के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही ऊँचे स्वर में बात करते हैं, यानी कि जो उनका जो लाउड होता है बहुत ही हाई होता है, तो जो कम बात करते हैं ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन ऐसा दिखाई देते हैं इनके चेहरे से ऐसा लगता है कि वो थोड़े से पोलाइट इन नेचर के यानी नम्र भाव वाले हैं और जो उनका जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा स्वभाव। ओके, सुकुमार अवदात्त गात्रा इनके लिए इसलिए ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है। उसके बाद प्रबुद्ध पिपलू व्यंग तिल पीड़ कहा, ये जो यहाँ पे पिपलू व्यंग तिल पीड़ कहा है ये सब वर्ड आए हैं सिर्फ स्किन डिसऑर्डर के लिए, मीन्स पिपलू मतलब ये रहता है कि जैसे कि पिंपल्स आते हैं, व्यंग यानी कि झुर्रियाँ जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ये भी स्किन का लेजन है ड्यू टू प्यूबर्टी स्टेज में आपको ये सब दिखाई देते हैं। तिल पिड़गा ये वही जो हमारे जो पिंपल्स रहते हैं उन्हीं का एक फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं, तो
तो ये सब इसलिए आते हैं प्रभुत मतलब अधिक मात्रा में। तो उष्ण गुण की वजह से प्रभुत मात्रा में पिपली एक ड्रग है, पिपलू व्यंग तिल पीड़का, ये सब अलग अलग जो पिंपल्स हैं इनके टाइप्स हैं। ओके, तो पीड़का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर एक एलिवेशन आता है, तिल मतलब वहाँ पे एक स्कार यानी कि एक धब्बा जैसे कुछ क्रिएट हो जाता है, व्यंग मतलब मैंने बताया कि झुरिया जैसे कुछ ऐसे समथिंग एक ने कुछ समथिंग का डेवलप होता है, पिपलू मतलब मैंने वही बताया कि पिंपल्स। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि अलग अलग जो स्किन के लेजन है फेस के ऊपर अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो अधिक मात्रा में आते हैं ड्यू टू उष्ण गुण इन पितृप्रकृति प्रक्षण। ओके, क्षुत पिपासावंत मीन्स उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्षुत पिपासावंत उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, मीन्स ड्यूरिंग एक एक हावर यानी वन हावर के इंटरवल के टाइम में वो 2-2 लीटर दे कैन ड्रिंक। ओके, और क्षुत मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी ऐसा बोला जाता है, चरक आचार्य ऐसे बोलते हैं कि उनकी जो जठरग्नि होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है, यानी कि वो अगर बहुत खाएंगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बट नेग्लेक्टिंग दैट जो बहुत खाते हैं लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन जो रहता है बॉडी के अंदर वो इतना फास्ट या फिर इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये कि वो खाते तो बहुत सारा है, वो खाते भी ऐसे रिलेवेंट फूड खाएंगे लेकिन उनका जो बॉडी में डाइजेशन होता है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, उनका जो ऐसा अधिक हम ऐसा बोल सकते हैं जो अधिक मात्रा में जो उनका फूड रहता है वो ऐसे डिस्पोजल ऐसे एलिमिनेशन के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके, क्षुत पिपासा वंद यानी कि उनको भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। क्षिप्रवली पलित खालित दोषा मीन्स वहाँ पे उनको एक प्रॉब्लम यानी कि ये प्रॉब्लम रहता है, क्षिप्र यानी कि जल्दी से, वली मतलब बॉडी के जो हेयर होते हैं जल्दी से बाहर टूटते हैं, पलित मतलब जो उनके जो सिर के जो बाल रहते हैं मीन्स जो उनके हेयर रहते हैं जो हेयर ऑन द हेड जो जिनके हेयर रहते हैं वो क्या रहते हैं कि पलित मतलब वहाँ पे वाइट यानी कि जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं, खालिद ने मतलब जो हमारे जो मैंने अभी बताया सिर के ऊपर जो बाल होते हैं उनका झड़ना यानी कि जिसे हम नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं गंजा यानी कि ओके, तो वहाँ से बाल निकल जाते हैं यानी कि हम बोलते हैं कि खालिद हैं उनका खलन हो गया है। ओके, तो छिपर ये जल्दी से हो जाता है कि उष्ण गुण की वजह से ये सभी कैरेक्टर ये सभी फीचर हमें पित्त प्रकृति के पर्सन में ऐसा दिखाया जाता है। ओके, क्षिप्रवली पलित खालित दोषा हाँ तस्य उष्णाते पित्तला भवंती उष्ण असहा उष्ण मुखा सुकुमार अवदात्त गात्रा प्रभुत पिप्लु व्यंग तिल पीड़का क्षुत पिपासावंत क्षिप्रवली पलित खालित दोषा। ओके, तो ये उष्ण गुण की वजह से आते हैं। अभी हम तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या कैरेक्टर आते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक अलग और फर्दर यहाँ पे बात हुई है, प्रायो मृदु अल्प कपिल शमश्रु लोम केशाश्य, मतलब जो उष्ण गुण के थे उष्ण गुण की वजह से जो कैरेक्टर्स जो डेवलप हो रहे हैं पितृप्रकृति के अंदर वहाँ पे एक और फीचर यहाँ पे आता है कि मृदु, मृदु मतलब उनके जो हेयर रहते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, अल्प मतलब कम रहते हैं लेकिन सॉफ्ट रहते हैं, और किसके इक्विवेलेंस रहते हैं कपिल मतलब जो हमारे जो मंकीज रहते हैं हम मंकीज को कपिल बोलते हैं, तो उनके जैसे ब्राउन कलर के क्योंकि कपिल यानी मंकीज को भी ब्राउन कलर के हेयर आते हैं, तो कपिल जैसे यानी मंकीज जैसे कम और मृदु वाले शम अश्रु यानी कि जो दाढ़ी होती है उनका जो बीयर्ड होते हैं और लोम यानी कि जो बॉडी हेयर होते हैं और केश यानी कि जो हेयर जो हेड के ऊपर रहते हैं, तो शम अश्रु दाढ़ी या फिर बीयर्ड लोम यानी बॉडी हेयर और केश मतलब जो हेयर ऑन द हेड, तो ये सभी ब्राउन इन कलर रहते हैं, कपिल यानी कि जो हमारे मंकीज होते हैं उनके रिजम्बल में ये कलर बताया जा रहा था। प्रायो मृदु अल्प कपिल शमश्रु लोमे के साथ, मृदु रहते हैं अल्प रहते हैं यानी कि सॉफ्ट इन नेचर रहते हैं कम भी रहते हैं, किसके जैसे कपिल जैसे मंकीज जैसे फीचर उनका रहता है इनका बालों का। ओके, अब हम तीक्ष्ण गुण की बात करेंगे तो पूरा श्लोक वन बाय वन देख लेते। ओके, तो तीक्ष्ण गुण के तीक्ष्ण गुण के वजह से कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं वहाँ पे अब हम इसकी बात करेंगे। तैक्ष्ण आत तीक्ष्ण पराक्रमा, हाँ तीक्ष्ण पराक्रमा मीन्स ऐसा चरकाचार्य बोलते हैं कि अगर इनको कोई भी एक्टिविटी बोल दिया जाए मीन्स अगर इनको बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है और इनको कोई भी एक्टिविटी या फिर सडनली हम इनको कोई पॉइंट दे दें तो बीच में वो बहुत बड़ा स्पीच या फिर वो उसके ऊपर से मतलब ऐसा बिना घबराए हुए वो पूरी लंबी थोड़ी वो स्पीच दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो किसी चीज़ से डरते नहीं जल्दी यानी कि पराक्रम रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं वो। ओके, तीक्ष्ण पराक्रम बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीक्ष्ण गुण की वजह से ही इनका कैरेक्टर डेवलप हुआ है, तीक्ष्ण पराक्रमा। तीक्ष्ण अग्नि मीन्स उनका जो फायर होता है डेवलप, यानी कि फायर मीन्स जो डाइजेशन जो कैपेसिटी होती है, जो डाइजेशन करने की जो पावर होती है, वो पितृ प्रकृति के पर्सन में बहुत ही हाई होता है उनका। यानी कि मैंने अभी शुद्ध पिपासा वन मैंने भी बताया उष्ण गुण की वजह से कि उनका जो फूड वो बहुत खाते हैं, वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ओके, तो तीक्ष्ण अग्नि वो एब्जॉर्प्शन या फिर या जो जल्दी डाइजेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव पावर है, जो डाइजेशन फायर है, वो वहाँ पे उनका हाई है। ओके, एक एलिवेटेड मैनर में बढ़ा हुआ है। तीक्ष्ण अग्नेय प्रभुत अशन पानाहा। अशन मतलब जो सॉलिड फूड है, पानाहा मीन्स पानी। तो तीक्ष्ण गुण की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्या, पानी, और क्या करते हैं, अशन मीन्स फूड। तो प्रभुत यानी कि लार्ज इन क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में, प्रभुत अशन पानाहा, ज़्यादा मात्रा में फूड और वाटर इंटेक करते हैं, यानी सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फूड को वो अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं। क्लेश असहिष्णु मीन्स क्लेश मतलब पित्त प्रकृति के होने के वजह से, तीक्ष्ण गुण के होने के वजह से उनका यहाँ पे क्लेश असहिष्णु गुण इसलिए आया हुआ है क्योंकि एक अलग से, मतलब एक अलग उनको स्टिमुलेटिंग या फिर एक अलग से उनको अगर हम दुख पहुँचाते हैं या फिर उनको एक जो वो बोलते हैं अगर हम नहीं करते तो उनके जैसे एक धक्का टाइप का ऐसा लगता है, मीन्स उनको एक थोड़ा सा अंदर दुखी, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी दुख हो जाते हैं। तो क्लेश असंयमी, क्लेश मतलब थोड़ा सा भी उनको जो दुखी ये सब उनको वो बर्दाश्त ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनको नहीं होता, यानी कि क्लेश असहिष्णु, यानी कि ऐसा हम बोलते हैं क्लेश असहिष्णु, वो थोड़ा सा भी मेंटल जो रिटार्डनेस है या फिर मेंटल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी वो सहन नहीं कर सकते हैं, क्लेश असहिष्णु। दंडशुकाहा अगेन एंड अगेन असन और पान का यहाँ पे दंडशुका मीन्स वो भोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो तीक्ष्ण गुण की वजह से तीक्ष्ण अग्नि रहती है उनकी, तीक्ष्ण पराक्रम रहते हैं, तीक्ष्ण अग्नि की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फूड लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी लेते हैं, ये सभी उनका जल्दी से एब्जॉर्ब या फिर उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। ओके, क्लेश असहिष्णु, उनको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वो जल्दी सहन नहीं कर पाते हैं। दंडशुका मीन्स ज़्यादा फूड लेते हैं। ओके, तो तीक्ष्ण गुण की वजह से ये सभी कैरेक्टर हमें दिखा देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट गुण की बात करेंगे, उसके वजह से क्या क्या कैरेक्टर से डेवलप होते हैं पितृपति के अंदर। ओके, तो वो क्या है, द्रवत्वात, द्रव गुण की वजह से, द्रवत्वात शिथिल मृदु संधि मांसाहा। शिथिल मीन्स लूजनेस, यहाँ पे लूजनेस का आप ऐसा मीनिंग नहीं लेते कि यहाँ पे लूजनेस कौन सा, लूजनेस मीन्स ज्वाइंट्स, हम ज्वाइंट्स की बात करेंगे। तो लूजनेस ज्वाइंट मीन्स कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे उनको हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा, लूजनेस मीन्स उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो उनका जो मूवमेंट होता है जो ज्वाइंट्स का, वो ड्यू टू द्रव्य गुण की वजह से वो वहाँ पे शिथिल मृदु संधि मांसाहा। मृदु मतलब बॉडी की जो ज्वाइंट्स होते हैं उनकी लूजनेस और मृदुता, यानी कि एक सॉफ्ट इन नेचर डेवलप होता है किसका, संधि और मांस। मांस उनका थोड़ा सा ऐसा है, मतलब हम जैसा ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड यानी कि रिजिड नेचर का नहीं रहता है क्या मांस और संधि। ऐसे बहुत सारे पर्सन रहते हैं कि उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनके जल्दी जॉइंट्स की मूवमेंट जल्दी नहीं होती। ओके, और जो उनका जो जॉइंट्स दिखाई देता है वो वातर प्रकृति जैसे दिखाई देता है, मीन्स रुक्ष गुण का रहता है, यानी परुष गुण का रहता है। ओके, वो वातर प्रकृति के अंदर जब मैंने बताया था कि वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो द्रव्य गुण की वजह से जो पित्त प्रकृति के जो पर्सन होते हैं उनकी जो संधि होती है यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं और जो उनके मांस यानी मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो शिथिल और मृदु रहते हैं, यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी उन मसल या फिर उस जॉइंट्स में रहती है। ओके, और क्या होता है द्रव्य गुण की वजह से, प्रभुत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च, यानी कि प्रभुत मतलब अगेन एंड अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि प्रभुत मतलब लार्ज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे लार्ज इन क्वांटिटी किसकी, सृष्ट यानी कि अच्छे से, स्वेद मीन्स स्वेटिंग, मूत्र यानी कि यूरिनेशन, पुरुष मतलब जो उनका फीसेस रहता है, जो उनका मल रहता है। ओके, तो द्रव्य गुण की वजह से प्रभुत यानी कि लार्ज इन क्वांटिटी, वो भी अच्छे से कहने का मतलब ये कि जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर डायरिया की जो प्रॉब्लम रहती है रिलेटेड टू द फीसेस या फिर रिलेटेड टू द हम मूत्र बोलते हैं कि ज़्यादा बार जाना पड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बार जाना पड़ता है लेकिन यहाँ पे इनको डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये इनका पित्त प्रकृति का नेचर ही रहता है कि वो ज़्यादा पानी लेते हैं इसलिए उनको ज़्यादा बार जाना पड़ता है। ओके,
ऐसा हम टर्मिनोलॉजी वहाँ पे बोल सकते हैं। तो द्रव्य गुण की वजह से ज़्यादा वो फूड सॉरी ज़्यादा वो ऑलरेडी लिक्विड इंटेक कर रहे हैं, तो उसके वजह से प्रभुत मतलब बहुत ही अधिक क्वांटिटी में वो भी अच्छे तरीके से मतलब उनको पुरुष निकालने में यानी मल को निकालने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, इजीली वो इवैक्यूएट हो जा रही है थ्रू द बॉडी। स्वेद मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको पसीना आता है। ओके, तो प्रभुत स्वेद, प्रभुत मूत्रन, प्रभुत पुरुष, ऐसा आपको ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। तो प्रभुत स्वेद मीन्स उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। और एक फीचर इनका स्पेशल फीचर दिखता है कि इनका जो स्वेटिंग होता है वो ऑर्डरनेस यानी कि एक बैड ऑर्डर आता है। ओके, मूत्र मीन्स उनका जो जो यूरिन होता है वहाँ से भी उनको बैड ऑर्डर आता है, या फिर हम बैड ऑर्डर के साथ साथ जो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ी हुई रहती है। पुरुष में भी क्वांटिटी बढ़ी हुई रहती है, वो इवैक्यूएशन के लिए 2 to 3 times, 3 to 4 times ऐसे जाते हैं। ओके, तो ज़्यादा क्वांटिटी होती है, अच्छे से भी होती है और वहाँ पे प्रॉपर मैनर भी होता है। तो ये सब द्रव्य गुण की वजह से, द्रव्यत्वाद शिथिल मृदु संधि मांसाहा प्रभुत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषस्य। ओके, ये द्रव्य गुण की वजह से पितृ प्रकृति के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर डेवलप होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे विस्तृत गुण यानी कि जो मैंने अभी ऑर्डर की बात की थी यानी स्मेल गुण की वजह से, तो उसमें उसकी वजह से क्या क्या आते हैं। ओके, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि विस्तृतवाद है, विस्तृतवाद मीन्स गंध के वजह से प्रभुत, अगेन एंड अगेन प्रभुत यहाँ पे आया है कि प्रभुत मतलब ज़्यादा, प्रभुत पुति, पुति मतलब कक्षा आज से शिर शरीर गंदा। ओके, तो पुति मतलब बैड ऑर्डर, पुति मतलब गंदा गंध, सॉरी गंदा गंध यानी कि बैड ऑर्डर। तो प्रभुत पुति कहाँ से स्मेल आता है, कक्षा मतलब आम रीजन में, आम रीजन सॉरी आम पीट यानी कि एक्जिला रीजन जो हमारा रहता है वहाँ से उनको एक बैड ऑर्डर आता है यानी गंदा स्मेल आता है। कहाँ से, हमारे एक्जिला रीजन से। ओके, पुति मतलब बैड ऑर्डर, ज़्यादा क्वांटिटी में बैड ऑर्डर का स्मेल आता है। कहाँ से, कक्षा मतलब एक्जिला रीजन में, आज से मतलब मुख से यानी कि अगर वो ड्यूरिंग टॉकिंग बात करते तो एक गंदा गंद ऐसा फील होता। ओके, तो आसिय मीन्स माउथ की वजह से सॉरी माउथ से उनके बैड ऑर्डर की ये स्मेल आता है। शिर मीन्स उनके जो बाल रहते हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं कि हम कंटिन्यूसली हम सोप लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, डिटर्जेंट यानी कि हम डैंड्रफ रिमूव करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसकी से होता है कि शिर में हमें बहुत सारे स्मेल आते हैं यानी कि बालों से एक बैड ऑर्डर आता है यानी कि गंदा गंद आता है। ओके, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक वो जो कैरेक्टर है, वो जो फीचर है ड्यू टू विस्तृत गुण पितृ प्रकृति के अंदर, वो नेचर ही है, वो आने वाला ही है। आप कितना भी उसका ट्रीटमेंट करवाओ वो आने वाला ही है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वो कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फुल्ली वो वहाँ से चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो सकता है। जो ज़्यादा अधिक मात्रा में है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर हमें ज़ीरो पहुँचाना है उसको, जो स्मेलिंग की जो प्रॉपर्टी है ज़ीरो पहुँचाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति है जो कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो फिक्स रहने वाली है। ओके, तो आज से शरीर गंदा है, पूरे शरीर में भी उनका बैड ऑर्डर का स्मेल आता है। तो विस्तृतवाद प्रभुत पुति कक्षा आज से शरीर गंदा है। श्लोक को आप तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़िए, मीनिंग ऑलरेडी आपको मालूम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट गुड की अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट गुड में क्या बताया हुआ है, कटु अम्लत्वात, कटु और अम्ल गुण की वजह से। यहाँ पे हमें कंबाइन ही कर रहा हूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं कंबाइन ही कर रहा हूँ अभी कि कटु, यहाँ पे आप कटु कर सकते हैं, कटु अम्लत्वात। कटु मतलब पंजन टेस्ट, अम्ल मीन्स सॉर टेस्ट। तो कटु और अम्ल टेस्ट की वजह से, कटु और अम्ल टेस्ट कहने का मतलब ये कि कटु और अम्ल टेस्ट इनको मतलब ये रहता है कि नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि कटु और अम्ल में जो इनका जो पंचभौतिक संगठन होता है उसमें उष्ण गुण आता है। उष्ण गुण मीन्स आग्नेय वहाँ पे महाभूत रहता है, अग्नि मीन्स अग्नि महाभूत का प्राबल्य रहता है वहाँ पे, प्रीडोमिनेंस ऑफ अग्नि महाभूत यहाँ पे रहती है कटु और अम्ल टेस्ट में। ओके, कटु और अम्ल रस के जो भी द्रव्य हैं उनमें पंजन टेस्ट का प्राबल्य रहता है। तो कटु अम्लत्वात ये इनकी वजह से अल्प शुक्र वैवाह्य आपत्त्याः मीन्स जो उनके जो स्पर्म या फिर जो सीमेन या फिर हम स्पर्म या फिर ओबम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उनका कम आता है। क्यों? कटु और अम्ल रस की वजह से। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कटु और सॉरी पित्त प्रकृति के पर्सन को कटु और अम्ल रस या फिर लवण रस, ये तीन रस नहीं खाना चाहिए।
कटु और अम्ल स्ट्रिक्टली अवॉइडेड किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी कटु और अम्ल रस के जो गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बॉडी के अंदर बने हुए रहते हैं, और अगर ऊपर से वो कटु और अम्ल रस लेंगे तो ये जो फीचर्स हैं, जो कि बहुत ही ये इनफर्टिलिटी को इंडिकेट करते हैं, ये फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। अल्प शुक्र कितना बड़ा फीचर है, यानी कि इनफर्टिलिटी को ये मेजर कॉज है। अल्प शुक्र यानी कि ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि वहाँ पे स्पर्म ही कम आ रहा है तो वहाँ पे कॉन्सेप्शन होना मुश्किल हो जाएगा और इनफर्टिलिटी लीड हो जाएगी। ओके, तो अल्प शुक्र वैवाह्य, वही मैंने बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी हम बोलते हैं कि वैवाह्य, उसको एक टर्मिनोलॉजी वैवाह्य यूज़ किया गया आयुर्वेदा में। अपत्य मीन्स वहाँ पे जो उनके जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो कम होते हैं, ऐसा चरक आचार्य बोलते हैं। ओके, उनका जो मानना था वो यहाँ पे इन्होंने श्लोक के थ्रू व्यक्त किया है। तो कटु और अम्ल रस के जो गुणधर्म रहते हैं, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो ऑलरेडी उनके शरीर में बने हुए रहते हैं, इसीलिए उनको कटु और अम्ल रस नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके ये इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम रहते हैं वो क्रिएट होते हैं, वो वहाँ पे डेवलप होते हैं। अल्प शुक्र वैवाह्य आपत्या। ओके, तो हमने पूरे गुण पढ़ लिए हैं, तो एट द लास्ट वी रिवाइज इट। तो ये पित्त गुण के वजह से, सॉरी पित्त के जो गुण होते हैं उनके वजह से ये लास्ट में जो फीचर आते हैं, तम एव गुण योगाते पित्तला, पित्त को कौन कौन से वहाँ पे उनको वो रहता है, ओके, प्रीडोमिनेंस रहता है। प्रीडोमिनेंस मीन्स वहाँ पे उनको कौन कौन से लास्टली फीचर हम देख सकते हैं, तो मध्यबला, यानी कि मध्यबला मीन्स उनका जो बल यानी कि जो स्ट्रेंथ रहता है बॉडी का, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है, मध्यम एक क्वांटिटी में रहती है। ओके, जैसे कि मैंने वात प्रकृति की बात की तो वहाँ पे अल्प बला रहता है, यानी कि बहुत ही कम रहती है, हीन रहता है, लेकिन यहाँ पे हीन तो नहीं है, यानी कि सबसे कम तो नहीं है, मध्यम में है, जो कि अच्छा है, एक गुड है। ओके, मध्य आयुषो, मैंने वात प्रकृति जब मैंने बात की थी तो वहाँ पे मध्य आयुषो मीन्स वात प्रकृति के ड्यूरिंग मैंने जब बोला था कि वो वहाँ पे अल्प आयुजित हैं, लेकिन जो हमारे जो पित्त प्रकृति के जो पर्सन रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, वो मध्य आयुजित है, यानी कि मैंने बताया था कि 75 अगर उनका एक मैक्सिमम लिमिट एज होगा वात प्रकृति के लिए, तो जो पित्त प्रकृति के जो पर्सन होते हैं उनका मैक्सिमम 85 एक ऐसा एवरेज एज बोला जाता है। ओके, तो मध्य आयुषो वो जीते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक आयुषो जीने वाले जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, वो हमारे कफ प्रकृति के लोग रहते हैं। ओके, मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरण एन वंतस्य भवंती। ओके, मतलब मध्य ज्ञान विज्ञान यानी कि जो उनका जो नॉलेज होता है वो भी एक परफेक्ट नॉलेज होता है, एक मध्यम लेवल तक उनका नॉलेज होता है। ओके, वित्त मतलब उनके जो पैसे रहते हैं वो उड़ाते भी हैं, मीन्स उसकी सेविंग भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। जो वात वाले जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर मैंने बताया था उसमें, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो सेविंग नहीं करते, सिर्फ वो वेस्ट करते हैं, इसलिए उनकी जो धन होती है वो अल्प धन वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे वित्त जो रहता है उनका मध्य वित्त रहता है, यानी कि वो सेविंग भी करते हैं, अलॉन्ग विद डैट वो इन्वेस्ट भी करते हैं, यानी कि वो मीडियम क्वान्टिटी के रेंज में आते हैं। उपकरण यानी कि जितने भी यूजिंग मटेरियल रहते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि टीवी हो गया, फ्लैट हो गया, या फिर हम वैन बोल सकते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, यानी कि जितने भी उपकरण हैं लाइफस्टाइल को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए, वो उनके पास मध्यम यानी कि ज़्यादा नहीं रहता है, ऐसा चरक आचार्य बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं रहता है, एक मध्यम क्वांटिटी में रहती है। वंत मीन्स वही जो इनकी इम्यूनिटी रहती है, ओके, तो वो एक मध्यम लेवल पर रहती है। तो तव एव गुणयोगाते पित्तला, मध्य बला, मध्य आयुषो, मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरण वंतस्य भवंती। तो ये जो इनका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 8 चैप्टर 97 नंबर श्लोक, ऐसा वहाँ से श्लोक से ये रेफर किया गया, वहाँ से ये लिया गया। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। हमने इस क्लास में पित्त प्रकृति के डिटेल डिस्क्राइब किया, इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द कफ प्रकृति। ओके, देन आफ्टर दैट कफ प्रकृति वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द वात पित्त एंड कफ। ओके।